आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल में माय सिटी फूड सीक्रेट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने बनाई है बेहद मजेदार सी बिरयानी। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं mycityfoodseeker.com को। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ, किसमें किन किन चीज़ों की जरूरत होता है, उसे कैसे बनाते हैं। जी बस, एक पैन ले लिया हमने, हाफ को बॉइल कर अच्छे से ऐड कर लिया, ऑयल को गरम कर लिया, दो दस बड़े साइज के हमने प्याज ले लिए, इनको स्लाइस कर लिया। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया, फिर देखिए आप स्लो करेंगे। हाफ के जी हमने चिकन ले लिया, चिकन ऐड करेंगे, उससे 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। जी बस, चिकन को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। दो अदर हमने टमाटर ले लिए, इनका छिलका उतार लिया, दो अदर हमने हरी मिर्चों को काट लिया। अब ये ऐड करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए से हम मजीद भून लेंगे। जी बिल्कुल, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। 1 टेबल स्पून हमने साबुत गरम मसाला ले लिया, जिसमें दालचीनी है, बादियान का फूल है, जीरा है, काली मिर्च है। अब ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। वन फोर टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। मसालों के साथ हमने अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। अब इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे। हाफ कप इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए चिकन के गलने तक इसे पका लेंगे। जी बिल्कुल, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन उठा लेंगे। ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे और अब चावलों को बॉईल करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, एक पैन में हमने भर के पानी ले लिया था, अब पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसमें पहले से भीगे हुए चावल ऐड करेंगे, 1/2 किलो हमने चावल ले लिए थे, इनको 1/2 घंटे पहले ही हमने भिगो दिया था। अब चावल ऐड करेंगे और इनको 80% तक बॉईल कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी बेबी, चावल हमारे 80% तक बॉईल हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इनका पानी छान लेंगे। जी बेबी, चावलों को हमने अच्छे से छान लिया। ग्रेवी वाला पैन हमने एक तवे के ऊपर रख दिया। सबसे पहले इस पे बॉईल किए हुए चावल ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे। प्याज जो हमने पहले से फ्राई किया हुआ था ये ऐड करेंगे। हरे धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। लेमन के स्लाइस लगाएंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर हमने पानी में मिक्स कर लिया था ये ऐड करेंगे। इसे कवर कर देंगे। चूल्हा ऑन करेंगे और 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे दम देंगे। जी व्यूअर, इसे दम दिए में तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठा लेंगे। ये देखिए, हमारे बहुत ही किले किले से चावल बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारी बेहद मजेदार सी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, mycityfoodsukar.com को। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।